बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे जो हमारा टूल है वो है क्रॉप टूल। बेसिकली उसको हमने यूज़ करना है। अनलॉक किया, ये फिल्टर नहीं हमने करना है, ये अनलॉक हमने किया, ठीक है, लेयर को, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, क्रॉप टूल, क्रॉप टूल कौन सा है इधर आपको पता है? ये बेसिकली फ्रेम टूल है। तो उसके लिए जो हमारे पास शॉर्ट की है वो है सी, ये आ गया क्रॉप टूल, ठीक है। ये स्लाइस आ गया है, स्लाइस बेसिकली इमेज को साइज उसका रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन अब अभी हमने इसे क्रॉप टूल यूज़ करना है। क्रॉप में बेसिकली जितना हमने हिस्सा रखना है उसे हम इस तरह करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ये देखिएगा मैंने इसे पोर्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, ये लैंडस्केप में यानी बनी हुई, पोर्ट्रेट में किया, थोड़ा सा इसे इस तरह किया, इधर इधर दो तरीके का है, एक हम इधर क्लिक करें तो अब सेट हो जाएगा, दूसरा डबल क्लिक करें, ठीक है, ये आ गई सामने। ये हमने बेसिकली क्या यूज़ किया, क्रॉप टूल, ये देखेंगे वो है, उसने सिंपल इसे रोटेट किया, शॉर्ट किया। ये बेसिकली जैसे जैसे आप अडोब फोटोशॉप का न्यू वर्जन यूज़ करेंगे ना, तो वर्जन, तो वो आपको सब कुछ आसानियाँ मिलेंगी उसके अंदर, ठीक है। तो क्रॉप टूल में बेसिकली उसके बाद क्या है, प्रस्पेक्टिव क्रॉस क्रॉप टूल, उसमें आप इतने एरिए को अपने प्रस्पेक्टिव के थ्रू क्रॉप करेंगे जितना आपको चाहिए, ये देखें ये आपको मिलेगा क्रॉप हो गए। उसके बाद है स्लाइस टूल, आपने स्लाइस लगानी है अपनी मर्जी से, ये मैं आपको दिखाता हूँ करके। इससे का फ़ायदा क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है जब वो आप डिज़ाइन करते हैं HTML या CSS, उसमें जो आप पिक्चर लगाते हैं उन पिक्चर को लोड होने में बहुत का टाइम लगता है। तो जो यूज़र होता है वो आपकी वेबसाइट पे 2 से 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकेगा, क्योंकि उसे चाहिए अर्जेंटली वेबसाइट, ठीक है, वो देखना चाहता है सब कुछ जल्दी। और अगर आपकी हाई क्वालिटी की इमेज होगी तो वो तो लोड होने में टाइम लगेगी ऑब्वियसली। तो उसे आप अगर स्लाइस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये देखिएगा ये ना, ये स्लाइस में कन्वर्ट हो गई है। तो अभी क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एस अगर हम करें तो ये किधर सेव होगी जाके हमारी, ये बेसिकली इसको ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना के इसे सेव करेगी, ठीक है। तो उससे इसका साइज़ बहुत सारा रिड्यूस हो जाएगा। बेसिकली अब मैं इसे ये करना चाह रहा, तो भी आपको इसकी समझ आ गई होगी क्रॉप टूल हम किस तरह यूज़ करते हैं।